ऐसा है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी है आदरणीय आर बी प्रजापति जी, ये मेरे से मिलने आए थे। इन्होंने कहा कि मुझे अलग अलग तरीके से कुछ बातें मैं पब्लिक डोमेन में ला सकता हूँ, कुछ बातें नहीं ला सकता हूँ, पर मेरे पे दबाव है कि फार्म मैं निकाल लूँ। मैंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग, नेशनल निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग को की है, उसकी कापी भी मुझे दी है, ये कापी है, आप सब देख लें। उसके बाद ये मध्य प्रदेश के जंग बहादुर गिल, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के, उन्होंने भी निर्वाचन आयोग को जो शिकायतें दी कि ये गिल साहब आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से है, इन्होंने भी वो कापियां भी शिकायत में यही कि हमारे प्रत्याशी को डराया धमकाया और प्रलोभन दिए जा रहे हैं। दो दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया। जो लोग ये कहते हैं अब की बार 400 पार, मतलब उनकी नीति और नियत समझ में आ रही है कि किस जो सरपंच के चुनाव में हरकतें होती है, जो पंच के चुनाव में हरकतें होती है, जो छोटापन होता है, जो राजनीतिक मर्यादाएं तार तार की जाती है, वो अब देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव में करने लगे। किस तरीके से पर्चा निरस्त करवाया गया, कलेक्टर नौकर के रूप में काम करने लगा, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा, वो कानूनी प्रक्रिया है, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है। अभी मुझे बातचीत में ये बात पता लगी कि जितने और प्रत्याशी हैं उनको सबको किसी का अपहरण कर लिया गया है, किसी को भूमिगत कर दिया गया है, कोई जमीन पे नहीं घूम सकता है, पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता, मीडिया में नहीं आ सकता है। अगर ये बात गलत है तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूँ कि जो प्रत्याशी हैं अभी बचे हुए वो आज पब्लिक डोमेन में नहीं है तो वो कहाँ हैं, वो मीडिया के सामने नहीं है तो कहाँ हैं, क्या बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो बिहारी स्टाइल में, या मैं माफ करें जो फिल्मों में हम देखते हैं उस स्टाइल में चुनाव लड़ना चाहते हैं कि अपहरण कर लो, पैसे से खरीद लो, डरा लो, धमका लो, अलग अलग तरह के प्रशासनिक यातनाएं दे दो और कैसे भी सबके फॉर्म निरस्त करवा लो और फिर मैं चुनाव जीत के आ जाऊं। क्या भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं जबलपुर, इस तरह का देश बनाना चाहते हैं आप, इस तरह का नया भारत चाहिए था? ये तीनों पत्र मुझे सम्मानित एक प्रत्याशी ने दिए हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के, जिन्होंने उनने शिकायत की, आरोप लगाए कि मुझे प्रलोभन भी दिया गया और अलग अलग बातों से कह गए कि आप पार्टी में आ जाओ, फॉर्म निकाल लो, प्रत्याशी के समर्थन में आ जाओ। क्या इस तरह की लोकतांत्रिक मर्यादा है? ये बीजेपी के सामने सवाल खड़ा होता है। अगर मेरा आरोप है एक भी प्रत्याशी ने फॉर्म निकाला और एक भी प्रत्याशी जो जमीन पे दिख नहीं रहा है, पब्लिक डोमेन में दिख नहीं रहा, चुनाव लड़ने वाला घर में नहीं बैठता है, भूमिगत नहीं होता है, पब्लिक में रहता है, अगर नहीं हो रहा है तो बीजेपी उन लोगों को किस तरीके की तानाशाहीपूर्ण रवैये से, गुंडागिर्दी से अपहरण करके, भूमिगत डरा के, धमका के इस तरह का चुनाव जीतना चाहती है? तो इस तरीके से अब की बार 400 पार होंगे, ये हमारा आरोप है। और मैं प्रशासन से, खासकर निर्वाचन आयोग से मांग करता हूँ कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दी जाए, खासकर खजुराहो के जितने प्रत्याशी बचे हैं उनको सुरक्षा दी जाए और उनको जो उनके साथ एक तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है उसकी उनकी रक्षा की जाए। अगर निर्वाचन आयोग ये नहीं करता है तो जैसे निर्वाचन आयोग पे पक्षपातपूर्ण आरोप लग रहे हैं वो सही साबित होंगे। मैं फिर से आदरणीय बहादुर सिंह जी को भी सुरक्षा दी जाए, प्रजापति जी को भी सुरक्षा दी जाए और बाकी लोगों को भी सुरक्षा दी जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निर्वाचन आयोग भी कठपुतली के रूप में काम कर रहा है, ये एहसास फिर से एक बार होगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सर लोकतंत्र के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहती है क्या? ये फिर नहीं दिख रहा है आपको? ये सारी बातें जो बताई ये आए, ये बातें क्या सिद्ध करती है? यही सिद्ध करती है। दूसरा ये हो गया मुद्दा, दूसरा आज